फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही इफेक्टिव एंड सिंपल स्किन वाइटनिंग रेमेडी, जिससे आपके डार्क स्किन इंस्टेंटली फेयर बनेंगे। फ्रेंड्स, आजकल आपको मार्केट में बहुत सारे महंगे स्किन वाइटनिंग के क्रीम मिल जाएंगे, जिसके कुछ खास रिजल्ट भी नहीं आते हैं, मगर ये आपके स्किन के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट जरूर लाते हैं। पर आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करूंगी वो पूरी तरह से नेचुरल है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं आते हैं, और ये आपके स्किन के ऊपर 100% रिजल्ट भी देते हैं, जिससे आपके स्किन जल्दी फेयर और ब्राइटन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इस अमेजिंग रेमेडी को बनाना। पर वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे आप मेरे सभी फायदेमंद वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बनाना और टोमेटो। सबसे पहले बनाना और टोमेटो को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसका पेस्ट बना लीजिए। बनाना और टोमेटो में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे स्किन की डार्क स्पॉट, डलनेस और पिगमेंटेशन को फेड करके स्किन टोन को इंस्टेंटली फेयर और स्पॉटलेस बनाते हैं, और साथ ही स्किन को रेजुविनेट करके उसे ब्राइट और ग्लोइंग भी करते हैं। अब एक बोल में 2 टेबलस्पून बनाना और टोमेटो का पेस्ट लीजिए और फिर इसमें 1 टेबलस्पून कर्ड यानी कि दही, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून हनी और 1 टेबलस्पून लेमन जूस लेके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लेमन जूस को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग फेस पैक रेडी है। अब इस फेस पैक को अपने स्किन के ऊपर ऐसे अप्लाई कर लीजिए और इसे अप्लाई करके 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और 20 मिनट बाद ठंडे पानी से अपने स्किन को वॉश कर लीजिए। इसकी पहली बार के अप्लाई से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप और भी अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आप इस रेमेडी को एटलीस्ट वीक में 2 बार ट्राई कीजिए। इससे आपके स्किन टोन इम्प्रूव होगा और स्किन पहले से बहुत ज्यादा ग्लो भी करेगा। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली घर पर ट्राई कीजिए इस अमेजिंग फेस पैक को। उम्मीद है आपको भी मेरी तरह 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।